अर्णब गोस्वामी के बाद अब कंगना और कंगना की बहन रंगोली भी जा सकती है जेल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार समन भेजा है। मुंबई पुलिस कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल से पूछताछ करना चाहती है। इस समन में कंगना रनौत को 23 नवंबर और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। कंगना और रंगोली पर ट्विटर पर नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। कंगना रनौत को इससे पहले जब समन भेजा था तब उन्होंने अपने भाई की शादी का हवाला दिया था कि वो मुंबई पहुंचने में असमर्थ हैं। पेशे से वकील और शिकायतकर्ता काशिफ अली खान ने पिछले महीने अंधेरी कोर्ट में रंगोली और कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। काशिफ ने सेक्शन 121, 121A, 124A, 153A, 153B, 295A, 298 और 505 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस भारत के विभिन्न समुदायों, कानूनों और अधिकृत सरकारी निकायों का कोई सम्मान नहीं करती और उन्होंने जुडिशरी का भी मजाक उड़ाया। अंधेरी कोर्ट में वकील काशिफ खान ने कंगना रनौत और रंगोली के खिलाफ कोर्ट में देश में दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप लगाए थे, जिस पर अंधेरी कोर्ट में 29 अक्टूबर को सुनवाई हुई। शिकायत में कहा गया है कि बांद्रा कोर्ट द्वारा पुलिस को कंगना रनौत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने के बाद भी उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट कर इसे पप्पू सेना कहा था। इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को अंधेरी कोर्ट में होनी थी। इससे पहले बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन्होंने धार्मिक भावना को आहत करने और भड़काने के मामले में समन भेज सोमवार मंगलवार को बुलाया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट के इस रुख के बाद अर्णब गोस्वामी की तरह कंगना भी जेल जाएंगी। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई में कोर्ट का क्या फैसला होगा। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि आपको भी लगता है कि कंगना ने दो धर्मों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की है, बांटने की कोशिश की है, साजिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना।